कोरोना और लॉकडाउन के बाद अब एक बार फिर थिएटर्स में रौनक बढ़ने लगी है। हालांकि कोरोना का खतरा अभी भी है, लेकिन फिल्मों की वापसी से लोग काफी खुश हैं। 2021 जाने को है और अब इंतजार है 2022 का। इसके साथ ही 2022 में जिन फिल्मों का इंतजार रहेगा उनमें सैफ अली खान और ऋतिक रोशन की फिल्म विक्रम वेधा का नाम भी शामिल हो गया है। जी हाँ, एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म 30 सितंबर 2022 को रिलीज होगी। फिल्म की शूटिंग लखनऊ में जारी है और वहीं ऋतिक ने फिल्म का पहला इंटरनेशनल शेड्यूल भी पूरा कर लिया है। सैफ अली खान की अगर बात करें तो वो आजकल लखनऊ में हैं और उन्होंने अगले शेड्यूल की शूटिंग शुरू कर दी है। बता दें कि विक्रम वेधा एक तमिल फिल्म की रीमेक है जिसे पुष्कर और गायत्री ने डायरेक्ट किया है। ओरिजिनल फिल्म में आर माधवन और विजय सेतुपति लीड रोल में थे। वहीं रीमेक में सैफ अली खान विक्रम नाम के पुलिस ऑफिसर का रोल निभाने वाले हैं। वहीं ऋतिक रोशन नेगेटिव रोल में नजर आएंगे, वो एक गैंगस्टर के रोल में दिखेंगे। ऋतिक रोशन पिछली बार फिल्म वॉर में नजर आए थे। अब एक बार फिर फैंस ऋतिक का एक्शन देखने का इंतजार कर रहे हैं। विक्रम वेधा के बाद वो दीपिका पादुकोण के साथ एक और एक्शन फिल्म में नजर आने वाले हैं। ABP News, आपको रखे आगे।